हाय, मेरा नाम आशीष है और मैं हमारी कंपनी प्रेमे लाइफस्टाइल के एक नए प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे बात करूंगा, जो ब्रांड मीबात के अंडर में है। मीबात पिछले 3 सालों से इंडिया में है और अपना काफ़ी अच्छा नाम बना चुका है। जो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो एक मोनोडोज फॉर्मेट में है, जैसे कि आप एक किट में से एक पेडिक्योर वर्थ ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको 4 कारण बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको मोनोडोज क्यों चुनना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं। पहला तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कोई वेस्टेज नहीं होता है क्योंकि ये सैशे फॉर्म में है। साथ ही साथ आपका इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अगर आप 10 पेडिक्योर वर्थ ऑफ एप्लीकेशन उनको देते हैं तो आपको मालूम है कि आपको 10 पेडिक्योर आपके स्टाफ से मिलेगा, तो आपका इन्वेंट्री बहुत अच्छी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपको बड़े जार्स में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें सैशेज और किट फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, हाइजीन फैक्टर, क्योंकि ये प्रोडक्ट मोनोडोज फॉर्मेट में है तो आपको प्रोडक्ट को स्पैचुला से निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको स्पैचुला को मेंटेन करना, स्पैचुला को सैनिटाइज करना, वो सब की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ पेडिक्योर इसको प्रोडक्ट हाथ से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। चौथा है बॉक्स की फंक्शनैलिटी। तो अभी आपको आपके पेडिक्योर पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट के बारे में बात करे, क्योंकि क्लाइंट खुद बॉक्स और सैशे पे लिखी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि एडवांस बॉडी केयर बाय मीबात रेंज स्पेशल कैसे है। बाकी पेडिक्योर्स की तरह इसमें एक्सफोलिएशन, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन और क्लेंजिंग तो आप फील करते ही करते हैं, पर साथ ही साथ क्योंकि एडवांस बॉडी केयर बाय मीबात रेंज के अंदर 100% रेयर ऑर्गेनिक जुजुबा ऑयल होता है, साथ ही साथ इसके अंदर में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ओलिगोपेप्टाइड और सेरामाइड का यूनिक ब्लेंड और अल्फा ग्लूकोसिल हिस्टिडीन। फाइनेस्ट 100% ऑर्गेनिक जोजोबा ऑयल के होने से वो स्टिमुलेट करता है बॉडी के नेचुरल इमोलियंस के प्रोडक्शन को। पेटेंटेड ओलिगोपेप्टाइड और सेरामाइड के ब्लेंड से वो सेल रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है, एज रिलेटेड स्किन डैमेज को रिपेयर करता है और स्किन को स्मूथ, वाइब्रेंट और रेडिएंट बना के रखता है। अल्फा ग्लूकोसिल हिस्टिडीन के होने से वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और एक यूथफुल अपीयरेंस को प्रमोट करता है। आपको एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वाले हैं यूसेज और एप्लीकेशन के एडवांस बॉडी केयर बाय मीबात मोनोडोज रेंज पर। ये मोनोडोज की किट है और इसमें 4 सैशेज होते हैं। पहला होता है स्मूथो टाइप, दूसरा होता है टाई फंक्शन सुबह स्क्रब, तीसरा होता है हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन मास्क और चौथा होता है अल्ट्राटेक बॉडी क्रीम। नेल्स को कट फाइल करने के बाद और फीमेल क्लाइंट्स के केस में नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद अल्ट्राटेक बॉडी क्रीम थोड़ा सा लें और क्यूटिकल्स पर अप्लाई कर दें और फीट को डिप कर दें। फीट को पानी के अंदर डिप करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट एफवेसेंट बाथ सोक होगा। हर एक एफवेसेंट बाथ सोक श्रिंक रैप होता है ताकि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। एफवेसेंट बाथ सोक एक थेरेपेटिक बाथ सोक है जो कि एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला से बना होता है। हर एक स्कूप का फंक्शन होता है कि वो एक डिटॉक्सिफाइंग एफवेसेंट ऑयल और मिनरल सोक का काम करे जो पानी के अंदर फिज होके कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है और रिलीज करता है नरिशिंग ऑयल्स, प्योरीफाइंग सॉल्ट्स, मिनरल्स और इंटेलिजेंट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस, जिससे कि स्किन हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, सॉफ्ट, रिन्यू, रीजनरेट और एनरिच होती है। एफवेसेंट बाथ सोक के अंदर 6 एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि जोजोबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकई ऑयल और सोयाबीन ऑयल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एप्सम सॉल्ट भी होता है जो बॉडी के अंदर की टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। एफएफएसएन बाथ सोक के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो होता है अल्फा ग्लूकोसिल हिस्टिडीन, जो ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने में मदद करता है और एक वाइब्रेंट लुक प्रमोट करता है। एफएफएसएंट बाथ सोक की एक और खासियत ये होती है कि जो भी फ्लेवर आप लेते हैं पानी का कलर उसके अकॉर्डिंगली टब में चेंज होता है। जैसे कि हमने बोलिनीस पपाया एंड सॉर्टनेस लिया है जिसकी वजह से पानी का कलर अभी येलोइश है। एफएफएसएंट बाथ सोक के कम्प्लीटली फिज होने के बाद में जैसे कि दिखाया गया है दोनों पैरों को इसी पानी से कम्प्लीटली रिंस करें ताकि जो 6 ऑयल्स है वो कॉन्टैक्ट में आए उस जगह तक जहाँ तक पेडिक्योर किया जा रहा है।
जैसे कि दिखाया गया है, स्नो सोक सैशे को काटकर पूरे टब में स्प्रिंकल कर दें। बाकी पेडिक्योर मैनिक्योर्स में जो सोक यूज़ किया जाता है वो किसी तरीके का डिसइंफेक्टेंट, सॉल्ट या शैम्पू होता है। बट एडवांस केयर रेंज में हम स्नो सोक यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर में 3 ऑयल होते हैं जो क्लीन करने के साथ साथ हैंड्स और फीट को मॉइस्चराइज और नरिश भी करते हैं। स्नो सोक के इस पानी से पूरे फीट को रिंस करें जहाँ तक हम पेडिक्योर या मैनिक्योर कर रहे हैं। क्यूटिकल्स को पुश और ट्रिम करने के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्राई फंक्शनल शुगर स्क्रब होता है। जैसे कि दिखाया गया है, सैशे से पूरी क्वांटिटी को रिमूव कर लें। दिखाई गई क्वांटिटी आपके दोनों पैरों के लिए मोर देन इनफ है। ट्राई फंक्शनल शुगर स्क्रब 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्लीन करने का, एक्सफोलिएट करने का और मॉइस्चराइज करने का। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है डेड स्किन को रिमूव करना और पोर्स को ओपन करना। क्योंकि ट्राई फंक्शन शुगर स्क्रब में 100% ऑर्गेनिक जोजोबा सीड ऑयल होता है तो ये बाकी स्क्रब्स की तरह स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। जैसा कि दिखाया गया है, ट्राई फंक्शन शुगर स्क्रब के ग्रैन्यूल्स कम्प्लीटली स्किन के अंदर मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद में हम नेल ब्रश यूज़ कर सकते हैं नेल्स को क्लीन करने के लिए। इस समय पर फीट को ड्राई करने के बाद हम स्क्रेपर और लूफा भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उसी पानी में उसको डिप करें और स्नो सोक के ही पानी से उसको रिंस करें ताकि जो 3 ऑयल जो स्नो सोक में मौजूद हैं वो जहां तक हम पेडिक्योर कर रहे हैं वहां तक पहुंचें। ड्राई टॉल की मदद से दोनों पैरों को पूरी तरीके से सुखा दें और मास्क एप्लीकेशन के लिए तैयार कर लें। स्क्रबिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन मास्क होगा। जैसा कि दिखाया गया है, सैशे को पूरी तरीके से बोल में एम्प्टी कर लें। मास्क को हम एक ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे। हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन मास्क का काम एक डी टैनर का क्रैक्स और रिंकल्स को रिपेयर करने का और स्किन को टाइट करने का होता है। दोनों पैरों पर मास्क लगाने के बाद में उसे 7 से 10 मिनट तक रहने दें। एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट होने के बाद में हॉट टॉल यूज़ करके दोनों फीट को रैप कर लें और जेंटल मसाज दें। हॉट टॉल जब धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हो जाए तो मास्क को कम्बाइब कर लें। ये प्रोसेस हमें दोनों फीट पे करनी है। मास्क को हॉट टॉल से रिमूव करने के बाद अलग से पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी स्टेप होता है अल्ट्रारिच बॉडी क्रीम का। जैसे कि दिखाया गया है, सैशे के कंटेंट्स को कम्प्लीटली रिमूव करें। क्वांटिटी दिखाई गई है वो दोनों पैरों के लिए है। अल्ट्रारिच बॉडी क्रीम की खासियत ये है कि मसाज करते समय ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनी रहे आगे आने वाले दिनों के लिए भी। अगर कोई एक्सेस क्रीम है तो हम ड्राई टॉवल से उसे रिमूव कर सकते हैं। हमें मसाज के बाद में इस रेंज में हॉट टॉवल देने की ज़रूरत नहीं है। पेडिक्योर प्रोसेस ख़त्म होने के बाद मोलॉन क्रो बेस कोट लगाकर उसे ड्राई होने दें। फिर हार्डनिंग नेल लैकर के 2 कोट्स, पहला कोट लगाने के बाद उसे ड्राई होने दें और फिर दूसरा कोट लगाएं। और आखिर में मोलॉन क्रो टॉप कोट यूज करके नेल लैकर को कम्प्लीटली सील कर दें। तो अब बात करते हैं क्लाइंट्स द्वारा पूछे गए सवालों पर और उनको कैसे जवाब देना है। आशीष, आप हमें बता सकते हैं कि एडवांस्ड बॉडी केयर बाय मीबात वाला पेडिक्योर एक बेसिक मैनिक्योर पेडिक्योर से कैसे अलग है? बिल्कुल, बेसिक पेडिक्योर मैनिक्योर में आपको सिर्फ मॉइस्चराइजेशन और क्लेंजिंग मिलता है क्योंकि एडवांस बॉडी केयर बाय मीबात रेंज के अंदर 100% रेयर ऑर्गेनिक जोजोबा ऑयल होता है। साथ ही साथ इसके अंदर में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ओलिगोपेप्टाइड और सेरामाइड का यूनिक ब्लेंड और अल्फा ग्लूकोजिल हिस्टिडीन। फाइनेस्ट 100% ऑर्गेनिक जोजोबा ऑयल के होने से वो स्टिमुलेट करता है बॉडी के नेचुरल इमोलियंस के प्रोडक्शन को। पेटेंटेड ओलिगोपेप्टाइड और सेरामाइड के ब्लेंड से वो सेल रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है, एज रिलेटेड स्किन डैमेज को रिपेयर करता है और स्किन को स्मूथ, वाइब्रेंट और रेडिएंट बना के रखता है। अल्फा ग्लूकोजिल हिस्टिडीन के होने से वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और एक यूथफुल अपीयरेंस को प्रमोट करता है।
इस रेंज में ट्राई फंक्शनल शुगर स्क्रब होता है जो तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन और मॉइस्चराइजेशन। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है डेड स्किन को रिमूव करना और पोर्स को ओपन करना। मॉइस्चराइजेशन क्योंकि इसके अंदर 100% ऑर्गेनिक जोजोबा सीड ऑयल है तो ये बाकी स्क्रब्स की तरह आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। मास्क का काम डिटैनर होने के साथ साथ क्रैक्स और रिंकल्स को रिमूव करना, रिपेयर करना और स्किन को टाइट करने का होता है। अल्ट्रा रिच बॉडी क्रीम से जब मसाज किया जाता है तो आपकी फीट और आपके हैंड सिर्फ आज सॉफ्ट और स्मूथ नहीं फील होते हैं बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी आप सॉफ्ट फील करते हैं। बाकी के जो पेडिक्योर मैनिक्योर्स रहते हैं जिनमें एक शैम्पू स्टेप रहता है, इसमें वो स्टेप क्यों नहीं है? इस रेंज में ट्राई फंक्शनल शुगर स्क्रब होता है जो ट्राई यानी कि तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन और मॉइस्चराइजेशन। तो आपको अलग से शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है डेड स्किन को रिमूव करना और पोर्स को ओपन करना। मॉइस्चराइजेशन क्योंकि एडवांस बॉडी केयर बाय मीबा ट्राई फंक्शनल शुगर स्क्रब में 100% ऑर्गेनिक जोजोबा सीड ऑयल होता है तो बाकी स्क्रब्स की तरह ही आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। फर्स्ट स्टेप में जो सोक डालते हैं उससे क्या होता है? बिल्कुल, बाकी जो पेडिक्योर मैनिक्योर्स में सोक यूज़ किया जाता है वो किसी तरीके का डिसइंफेक्टेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉल्ट, शैम्पू यूज़ किया जाता है जो सिर्फ क्लीन करने के काम में आता है। पर एडवांस बॉडी केयर बाय मीबा रेंज में हम स्नो सोक यूज़ करते हैं जो क्लीन के साथ साथ डेड स्किन को सॉफ्ट भी करता है। और क्योंकि इसके अंदर तीन ऑयल होते हैं जो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और जोजोबा ऑयल हैं, वो स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश भी करते हैं। तो इस तरीके से बाकी पेडिक्योर के सोक के मुकाबले स्नो सोक एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले करता है। फर्स्ट स्टेप में जो सोक डालते हैं उससे क्या होता है? बिल्कुल, एफेवेसेंट बाथ सोक एक थेरेप्यूटिक सोक है जो एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला से बनता है। हर एक स्कूप का फंक्शन होता है कि वो एक यूनिक डिटॉक्सिफाइंग एफेवेसेंट ऑयल एंड मिनरल सोक का काम करे जो पानी के अंदर फिज होता है और मेल्ट हो जाता है, जिससे कि वो रिलीज करता है नरिशिंग ऑयल्स, मिनरल्स, प्योरीफाइंग सॉल्ट्स एंड इंटेलिजेंट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस, जिससे कि स्किन हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, सॉफ्ट, रिन्यू, रीजेनरेट और एनरिच होती है। एफेवेसेंट बाथ सोक के अंदर 6 एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि होते हैं जोजोबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कुकई ऑयल और सोयाबीन ऑयल। इसके साथ साथ इसमें एप्सम सॉल्ट होता है जो बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है, स्वेलिंग कम करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। एफेवेसेंट बाथ सोक के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम होता है अल्फा ग्लूकोसिल हेस्परिडीन जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है और एक वाइब्रेंट लुक प्रमोट करता है। एफेवेसेंट बाथ सोक की एक और खासियत यह है कि आप जो भी फ्लेवर लेते हैं पानी का कलर टब में उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जैसे कि अगर आप बोलनीस पपाया एंड सॉटनेस लेते हैं तो वो डालने से पानी का कलर येलोइश हो जाता है, या अगर आप मैडागास्कर वनीला एंड लैवेंडर लेते हैं तो पानी का कलर पर्पल हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी फ्लेवर आप एफेवेसेंट बाथ सोक का लेते हैं पानी का कलर टब में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है।